नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। शाम को 5 बज चुके हैं और वक्त चला है देश की सबसे सार्थक बहस ललकार का। ललकार तो आज लगी है 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर के। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों में विधानसभा होने वाले चुनावों की तारीखों का आज ऐलान हो गया है, और इसलिए हम कह रहे हैं कि विधानसभा चुनावों का चुनावी शंखनाद हो चुका है। आज से निर्वाचन आयोग ने राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। विधानसभा चुनाव में मतदान की शुरुआत मिजोरम से होगी। यहां एक चरण में 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में 7 नवंबर और 17 नवंबर को चुनाव होंगे। मध्य प्रदेश में एक चरण में 17 नवंबर को वोटिंग होगी। वहीं राजस्थान में भी एक चरण में ही यानी 23 नवंबर को मतदान होना है। वहीं तेलंगाना में सबसे आखिर में 30 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। और सभी 5 राज्यों में 3 दिसंबर को मतगणना होगी और 5 दिसंबर तक चुनावी प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। चुनाव आयोग के जरिए तारीखों की घोषणा के साथ ही इन 5 राज्यों में आचार संहिता भी लागू हो गई। तो चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, और आइए आपको ग्राफिक्स जरिए जरा कुछ समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ समीकरण कह रहे हैं और क्या कुछ स्थिति इन राज्यों में बनी हुई है, कहां पर किसकी सरकारें हैं, वो आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। तो दरअसल आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव की तारीखों का जो ऐलान हुआ है उसमें मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं, 17 नवंबर को मतदान होगा। राजस्थान में 200 सीटें हैं, 23 नवंबर को मतदान होगा। छत्तीसगढ़ में 90 सीटें हैं, 2 चरणों में यहां पर चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है। 7 नवंबर और 17 नवंबर को चुनाव होगा। वहीं तेलंगाना की अगर बात करें तो 7 सीटों पर 30 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, और जबकि मिजोरम की अगर हम बात करें तो 40 सीटें हैं, 7 नवंबर को यहां पर मतदान होगा। यानी इन तारीखों का ऐलान हो चुका है और आचार संहिता लग चुकी है। अब सभी राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत झोंकेंगे और अब से चुनावी जनसभाओं का भी आगाज होना लाजमी है। तो ऐसे में कब कहां चुनाव मध्य प्रदेश में, आपको बता दें कि एक फेस में चुनाव है 17 नवंबर को और 3 दिसंबर को मतगणना होनी है। 3 दिसंबर को चुनाव नतीजे आ जाएंगे, ये पता चल जाएगा कि आखिर मध्य प्रदेश में कौन काबिज होगा। तो एक फेस में चुनाव होना है मध्य प्रदेश, और 17 नवंबर वो तारीख निर्धारित की गई है। और इसके साथ ही जो अलग अलग राज्य हैं वहां भी चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का आज ऐलान हुआ है। अब अगर छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो यहां पर 2 चरणों में मतदान होना है। पहले चरण में 7 नवंबर को होना है जो कि मतदान होना है, और दूसरे चरण का मतदान जो होना वो 17 नवंबर को होगा। यहां पर भी चुनावी नतीजे जो आएंगे वो 3 दिसंबर को आएंगे। 3 दिसंबर को यह पता चल पाएगा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अपनी सत्ता बरकरार रख पाती है या फिर भारतीय जनता पार्टी वहां पर काबिज हो गई या फिर कोई और स्थिति बनकर के सामने आएगी, ये देखने वाली बात होगी। 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे और तभी यह तय हो जाएगा कि आखिर छत्तीसगढ़ की जनता और मध्य प्रदेश की जनता ने किसको कितना प्यार और सम्मान दिया है। अब हम बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान में एक ही चरण में चुनाव होगा जो कि 23 नवंबर तारीख निर्धारित की गई है, और 3 दिसंबर 2023 को यहां पर भी नतीजे आएंगे। अब मिजोरम में एक चरण में चुनाव होगा 7 नवंबर को, लेकिन नतीजे 3 दिसंबर को ही आएंगे। यानी नतीजे जो आएंगे वो सभी राज्यों को 3 दिसंबर के आएंगे, और 5 राज्यों में ये तय होगा कि कौन कहां पर काबिज हो रहा है। तेलंगाना में भी एक चरण में चुनाव होना है 30 नवंबर को, यानी आखिरी में सबसे चुनाव जो होगा वो तेलंगाना में होगा। 30 नवंबर तारीख निर्धारित की गई है। तो इन 5 राज्यों के लिए आज से चुनावी बिगुल बन चुका है। हालांकि हम ये कहेंगे कि जिस तरीके से सभी राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत पहले से झोंकते रहेंगे, अब कहां किसकी सरकार है जरा वो भी आपको बता देते हैं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हैं। यानी इन 3 राज्यों में 2 राज्य पर कांग्रेस काबिज है, जबकि 1 राज्य में भारतीय जनता पार्टी काबिज है, और वो है आपको बता दें मध्य प्रदेश। बड़ी चुनौती है। तो लगातार जिस तरीके से अब ये कहा जा रहा है कि तारीखों का ऐलान हो गया है और उसके बाद अब सभी दल बिल्कुल सक्रिय हो गए हैं। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। बीजेपी किसान मोर्चा अध्यक्ष विनोद शेरावत ने दावा किया है कि 5 राज्यों में इस बार बड़ी मात्रा में बीजेपी को वोट पड़ने जा रहे हैं। जरा सुनिए। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, और सबसे अहम मुद्दा इस बार किसानों का रहने वाला है। क्या किसान बीजेपी के समर्थन में आएगा, क्योंकि हमने देखा कि कई दिनों से लगातार किसान अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन करते रहे हैं और किसानों के मुद्दे पर बीजेपी को हमेशा विपक्ष भी घेरता रहा है।
बीजेपी किसान मोर्चा अध्यक्ष विनोद सहरावत हमारे साथ है। सर, बड़ी जिम्मेदारी आ गई है, क्या लगता है किसान इस बार आप लोगों के साथ खड़े हो जाएंगे? देखिए, किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और बहुमत में जो है ना किसान भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। आपको लगता है कि इस बार 5 राज्यों में आप चुनाव में जीत करके सत्ता में आएंगे? बिल्कुल 100% हम 5 राज्यों में हम चुनाव जीतेंगे और 5 राज्यों में हम सरकार बनाएंगे और बहुमत से बनाएंगे। लेकिन किसान तो पंजाब में पटरियों पर बैठे हुए थे, हाल ही में हमने देखा तमाम किसान रेलों को आंदोलन कर रहे थे। देखिए, किसान मोदी सरकार से संतुष्ट है और किसानों के हितों में जो है ना बहुत ज़्यादा केंद्र सरकार ने काम किए हैं, लेकिन कुछ जो है ना इसमें विपक्ष के नेताओं की पार्टियों की जो है ना चाल हैं और ये जो है ना विपक्षी दलों की चाल है, नहीं तो किसान जो है ना मोदी सरकार से खुश है। और मैं फिर आपसे बात दोहराता हूँ कि 5 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को किसान बहुत अधिक जो है ना अब की बार खुश हैं और वोटिंग करेंगे और 5 राज्यों में जो है ना सरकार बनेगी। चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। दावा जरूर कर रहे हैं लेकिन ये दावा धरातल पर कितना उतरेगा ये वक्त बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट साज के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। टिक 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 टिक। तो अब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और अब सभी राजनीतिक दलों की तरफ से कवायद तेज कर दी गई है राज्यों को फतह करने की। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि किसकी कितनी रणनीति कामयाब होती नजर आएगी। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। मुकेश त्यागी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आलोक पांडे जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मनीष श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। और डॉक्टर मोहम्मद अमीन जी जुड़े हुए हैं, पूर्व इलेक्शन कमीशन अधिकारी हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मुकेश त्यागी जी, उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है इलेक्शन कमीशन की और इधर तुरंत सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। मध्य प्रदेश में 7 सांसद आपने उतारे, राजस्थान में भी 7 सांसद मैदान में उतार दिए हैं। रणनीति बड़ी मजबूती के साथ बनाते नजर आ रहे हैं। क्या लगता है आपको कि इन सांसदों को मैदान पर उतार कर, इन दिग्गजों को मैदान पर चुनावी जंग में उतार कर आप राज्यों को फतह कर ले जाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक बहुत ज्यादा आइडियोलॉजिकली कमिटेड पार्टी है। उसके अंदर ये नहीं होता कि आप सांसद हैं, आप मंत्री हैं, आप कैबिनेट मिनिस्टर हैं, आप असेंबली में हैं या पंचायत के स्तर पर, किसी भी व्यक्ति को कहीं पर भी जिम्मेदारी दी जा सकती है। वो हम कोल स्ट्रैटेजी बनाते हैं उसमें, जो कि हमारा 365 दिन 24 घंटे हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सक्रिय रहते हैं। तो आपने मध्य प्रदेश के अंदर भी देख लिया, हमने इलेक्शन तो आज अनाउंस हुए हैं, इससे पहले हम लोगों ने जो है साथ उसमें 3 मंत्री जो थे बड़े कद्दावर मंत्री थे कैबिनेट के और साथ में संसद को उतारा। आपने योगी जी का भी देखा किस प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, कोई उनका चेहरा नहीं था 2000 उसके चुनाव के अंदर, लेकिन वो फिर मुख्यमंत्री बने। तो फडणवीस जी को देख लीजिए, जो कि मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के अंदर, उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। तो ये जो एक हमारे अंदर ये कोई ईगो नहीं है कि मैं ये हूं तो मुझे ये नहीं देना चाहिए, हर व्यक्ति अपना दायित्व लेने के लिए तैयार है। और ये नहीं, सवाल यहाँ पर मुकेश जी है कि देखिए, अक्सर जो चुनाव लड़ते रहे आप भी, वो छत्रपों के दम पर चुनाव लड़ते रहे, और इस बार हम राजस्थान का जिक्र करें, मध्य प्रदेश का जिक्र करें, वहां सीएम फेस भी आप नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं। वैसे तो आप पूछते रहते हैं विपक्ष से कि पीएम का फेस कौन होगा, डिक्लेयर नहीं हो रहा है। सवाल यह उठता है कि शिवराज सिंह चौहान ने इतने बड़े काम किए हैं, इतने जनहित में काम किए हैं, पीएम मोदी जाते हैं उनका नाम नहीं लेते, योजनाओं का नाम नहीं गिनवाते हैं, उनका चेहरा भी क्लियर नहीं होता है। राजस्थान का अगर हम जिक्र करें तो 3 दिग्गज जिस तरीके से सामने आए हैं, दिया कुमारी, बालकनाथ और राज्यवर्धन राठौर, इन तीनों को तो आश्वस्त किया गया होगा कि अगर आप चुनाव जीत करके आएंगे तो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, ऐसा तो है ना? देखिए, आप शायद भारतीय जनता पार्टी के जो विचारधारा है उसको नहीं समझ पा रहे। भारतीय जनता पार्टी में कमल पर वोट पड़ेगा, कमल ही हमारा मुख्यमंत्री है, कमल के आधार पर ही सब कुछ हमारा चुनाव लड़ा जा रहा है। हम किसी व्यक्ति विशेष को आगे बढ़ा करके चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। आपने ये स्ट्रैटेजी देख ली होगी, मध्य प्रदेश में भी हमने किसी का नाम अनाउंस नहीं किया कि ये मुख्यमंत्री बनेगा, राजस्थान में भी हम किसी का नाम अनाउंस नहीं कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनेगा। कमल पर मोहर लगाइए, कमल जो एक व्यापक विचारधारा को प्रतिबिंबित करता है और वो अगर आप हमारे साथ उसके साथ खड़े हैं, कमल की नीति और निर्देशों के साथ खड़े हैं, तो आप कमल पे वोट लगाइए, आप भूल जाइए कौन सा कैंडिडेट है। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जो लोगों की जो आस्था कमल के अंदर है
वो उम्मीदवारों से कहीं ऊपर उठ करके, क्योंकि ये सामूहिक जिम्मेदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी काम करती है, ये नहीं कि व्यक्ति विशेष, जैसे कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी जी व्यक्ति विशेष बने हुए हैं, वो दाएं बोले बाएं बोले, तो तमाम ऐसी पार्टीज हैं, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा संगठन है, हर बूथ के ऊपर कार्यकर्ता लगा हुआ है, उनको जिम्मेदारी आज से नहीं बहुत पहले से दे दी गई, लगातार काम करें, क्रियाशील है, और यही कारण है 2019 में लगातार भारत की जनता का विश्वास जीतता है और अधिकतर नंबर से जीतता है। और अभी आप आने वाले चुनाव में भी देख लीजिएगा, ये पार्टी असेंबली के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी फिर से कमल खिलाएगी और इनकी विदाई होगी दिवाली के बाद, ये जो है ऑलमोस्ट अंतिम यात्रा होगी, हम भी देखेंगे और देश भी देखेगा। मनीष श्रीवास्तव जी, कैसे काट निकालेंगे? सांसदों को मैदान में उतारा जा रहा है, केंद्रीय मंत्रियों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैदान में उतारा जा रहा है, कोई काट अब तक कांग्रेस की तरफ से निकाली गई है, कोई रणनीति बनाई गई है, ठोस कदम उठाया जाएगा क्या? मनीष जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कर रही है, शायद आपने म्यूट कर रखा है। चलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही मनीष जी, आपकी आवाज तब तक ठीक करवा रहे हैं। और आलोक पांडे जी, क्या रणनीति आपको क्या नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ तो जातिगत जनगणना को लेकर के राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज, वो कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना कराई जाएगी देश भर में, जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं वहां पर कराई जाएगी। क्या जातिगत जनगणना वर्सेज इन दिग्गजों का जो उतारा जा रहा है मैदान में, या हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से ओबीसी को और बैंक को अपने पाले में लाने की पूरी कवायद की जा रही है, खासतौर पर विपक्षी दल की तरफ से, अभी तक तो बीजेपी भी खूब ओबीसी ओबीसी करती थी, लेकिन अब जातिगत जनगणना के नाम पर वो थोड़ा सा ठंडे बस्ते पे नजर आ रही है। नहीं देखिए, ये लड़ाई जो अभी पांच राज्यों की विधानसभाओं में फिर लोकसभा में मंडल वर्सेस कमंडल की राजनीति की तरफ ले जाना चाहता है विपक्ष। विपक्ष चाहता है कि वो मंडल की तरफ रहे और भारतीय जनता पार्टी का कमंडल रहे, और मंडल और कमंडल में हमने देखा था जब 1990 के दशक में 92-93 में कि कहीं ना कहीं कमंडल कमजोर पड़ गया था और मंडल ने मिलकर के उसे बहुत बड़ी टक्कर दी थी, उत्तर प्रदेश उसका प्रयोग था, प्रयोग भूमि थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने 1990 के बाद बहुत सीखा, और उसने क्या सीखा कि मंडल भी मेरा कमंडल भी मेरा, जैसा मन हो अपने कैनवास का उपयोग करे। तो इस समय जो विपक्ष जो जातीय जनगणना के माध्यम से मंडल फेज टू लाना चाहता है, वैसी कवायद में सक्सेस तो नहीं होता दिखाई दे रहा है। लेकिन ये बात तो सही है कि विपक्ष को पिछले 10 सालों में मैं पहली बार एक ऐसा मुद्दा प्राप्त करते हुए देख रहा हूं जिसमें कम से कम विपक्ष को भरोसा है कि वो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे सके। तो मंडल एक ऐसा मुद्दा है या ओबीसी एक ऐसा मुद्दा है जिस मुद्दे पर थोड़ी शक्ति आती है विपक्ष के पास, थोड़ी जान आती है, थोड़ी उत्तेजना आती है, और जिससे कि परचर्चा करने में और लोगों को अपने साथ जोड़ने में एक मुद्दा बनता है। आलोक पांडे जी, लेकिन आपने 90 के दशक का जिक्र किया, मंडल कमंडल का जिक्र किया, तो अब बीजेपी तो मंडल और कमंडल एक हाथ में, मंडल एक हाथ में कमंडल लेकर के चलना चाहती है। दूसरी बात, उस दौर में सत्ता त्यागने की नेताओं के अंदर वो कुवत थी, वो दृढ़ निश्चय हुआ करता था मंडल को लेकर के, अब बताइए जरा किसी नेता के अंदर अगर ऐसा नजर आता हो आपको तो? नहीं बिल्कुल, उस समय के जो नेता थे वो आज के दौर में आज की पीढ़ी में हम प्राप्त नहीं करते, लेकिन फिर भी जो विपक्ष है उसके पास एक बेहतर हथियार है, वो ये प्रयास करेगा कि मंडल वर्सेस कमंडल हो, और भारतीय जनता पार्टी ये प्रयास करेगी कि मंडल वर्सेस कमंडल ना हो करके वो मंडल और कमंडल दोनों की राजनीति करे। अभी देश की जनता पांडे जी तय करेगी कि वो मंडल और कमंडल वाली दोनों की राजनीति को स्वीकार करती है या केवल और केवल मंडल की राजनीति को स्वीकार करती है। रही बात मध्य प्रदेश और राजस्थान तीनों राज्यों के चुनाव पर, तो देखिए राजस्थान में और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ थोड़ी सी लीडरशिप को लेकर के असहमति है। तो भारतीय जनता पार्टी यह चाहती है कि नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व तो जब आएगा, उनके नाम पर जब चुनाव होगा, तो जो राज्य के अंदर राज्य के नेतृत्व में थोड़ी मतैक्यता की कमी है वो कभी मोदी जी के नेतृत्व के आने के साथ वो दब जाए, चाहे शिवराज सिंह जी के मैटर में हो, चाहे वो राजस्थान में वसुंधरा राजे के साथ में हो। तो मोदी जी का चेहरा इतना बड़ा मानती है भारतीय जनता पार्टी, और वो मोदी जी के चेहरे पर भारत के बहुत सारे चुनाव जीत चुकी है, हालांकि मोदी जी के चेहरे पर जाने पे कर्नाटका में हार भी मिली थी। हाँ। तो दोनों तरह के प्रयोग है, भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि मोदी वर्सेस हो जाए। कर्नाटका में बिहार मिली, हिमाचल में बिहार मिली, ठीक है। मनीष जी आवाज आ रही है आपको?
मनीष जी, लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही अभी भी, आपका कुछ इशू आ रहा है, टेक्निकल इशू आ रहा है, ठीक करवा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर मोहम्मद अमीन जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, देखिए विपक्ष खास तौर पर यह बड़ा आरोप लगाता है कि चुनाव पर तमाम सारे सवाल उठाता है, मतदान को लेकर के, और इलेक्शन कमीशन पर आवाज उठाता है, केंद्र की उंगलियों पर नाचने का आरोप लगाया जाता है। आपको क्या कुछ सिनेरियो, क्योंकि आप विभाग में रहे हैं, आपने देखा है, क्या कुछ दबाव होता है, क्या ऐसा जो विपक्ष आरोप लगाता है इसमें तनिक भी सच्चाई होती है क्या? देखिए, मैंने चुनाव कराए भी हैं, मैंने काउंटिंग भी कराई है, और मैं ऑब्जर्वर भी रहा हूँ हिंदुस्तान के, चाहे वो लक्षद्वीप रहा हो चाहे वो नागालैंड रहा हूँ, और मैदानों में तो कराए, जो भी कराए हैं डिफिकल्ट एरियाज में भी मैं गया हूँ। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि इतनी मेहनत करता है इलेक्शन कमीशन, और उस कमीशन को ये लोग इस तरह से बातें करते हैं, और यही वो इलेक्शन कमीशन है जो जिसने ममता बनर्जी को जिताया, उनके मतलब कमीशन था। उस वक्त भी कहा गया बंगाल के चुनाव में कि हमारे यहाँ 7 फेज में चुनाव करा दिए गए, और हमको जो है इस तरह किया गया, और हमको हराने की ताकत है, और ये लोग गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से मिले हुए हैं। देखिए, बिल्कुल गलत बात है, ये एक संवैधानिक संस्था है, और किस किस का फेवर करेगी, कितनी मशीनें होती हैं। जहाँ तक सवाल है, ये लोग काम नहीं करते अपने क्षेत्रों में, और उसका नतीजा होता है कि जो पार्टियां काम करती हैं उनको पब्लिक सपोर्ट करती है। वो ज़माना लद गया जब ये बैलेट पेपर लेके भाग जाया करते थे, बार बार ये कहते हैं कि हमें बैलेट पेपर से कराना चाहिए। क्यों कराना चाहिए साहब बैलेट पेपर से? ज़माना चल रहा है आज मोबाइल में है, और जमाना जा रहा है चांद और सूरज में, और हमको चाहिए कि बैलेट पेपर से कराएं। क्यों? अभी आपने देखा होगा कि स्टेट के जो चुनाव होते हैं उसमें बैलेट पेपर से हुआ धांधली होती है, हम मानते हैं इस बात को, इसीलिए कमीशन ने, और कमीशन विपक्ष तो सर ईवीएम मशीन पर भी सवाल उठाता है। नहीं नहीं, ईवीएम मशीन में तो आप लेके भाग जाइए, उसको क्या है कि वो कैंसिल कर देते हैं, वो एक डब्बा है इलेक्ट्रॉनिक। और सवाल एक चीज मैं और बता दूं कि जब ये इलेक्शन कमीशन ने सिलेक्शन किया इस मशीन का, तो ये मशीन जो है बैटरी ऑपरेटेड है। आप सब पार्टियों को पता है, सब पार्टी के लीडर्स को, लीडरान को दिखाया जाता है, और उनके एजेंट्स को इलेक्शन से पहले दिखाया जाता है। ये बैटरी ऑपरेटेड मशीन है, जस्ट लाइक कैलकुलेटर, उसमें जितना आप फीड करेंगे उतना ही उसका कैलकुलेशन आएगा। और ये जो शुरू की गई थी विदेशों में, तो विदेशों में बंद की गई कई जगह, ठीक है, बात मानना बिल्कुल सही है, लेकिन क्या है कि वहां पर वो इंटरनेट से कनेक्टेड थी, इसलिए वो मशीनें हैक हो जाती थी। हमारे यहाँ वो सिस्टम है ही नहीं, हमारे यहाँ बैटरी ऑपरेटेड है, और ये चीजें बिल्कुल। सर कई दफा ये मामला देखने को मिलता है कि मतदाता जो है वो मतदान किसी और को करता है, लाइट किसी और में जलती है, नहीं मतदान किसी और को हो जाता है, तो ये भी टेक्निकल इशू थोड़ा आ जाता है, तो फिर सवाल तो खड़े होते हैं ना। मैं आपको ये बता दूं कि जब भी चुनाव होता है हर पोलिंग स्टेशन पे, हर पोलिंग बूथ पे इनके एजेंट्स होते हैं हर पार्टी के, और जो मशीनें हैं वो रेंडमली चेक की जाती हैं, इनको दिखा दिया जाता है, बता दिया जाता है। हाँ, हो सकता है कोई मशीन है उसमें कोई गड़बड़ी आ गई हो, जैसे अभी आपका टेक्निकल काम नहीं कर रहा था, वो बोल नहीं पा रहे थे, जो दो एक हमारे पार्टिसिपेंट थे इसमें डिबेट में नहीं बोल पाए, क्यों? क्योंकि वो टेक्निकल फॉल्ट था। और आपको मैं ये बता दूं कि जो भी हमारी मशीनें हैं उनको सुधारा नहीं जाता, वो रिप्लेस की जाती है नई मशीनों से। और अब की बार जो किया है 6 महीने पहले से इन पांचों स्टेट के लिए, इलेक्शन कमीशन ने आज कहा भी है चीफ ने इस बात को, कि बहुत ज्यादा इंतजाम किए गए हैं और हर सेक्टर पे किए गए हैं, क्योंकि 16 करोड़ लगभग वोटर हैं, उनमें जो है आपने देखा होगा कि 60 लाख जो है हमारे यूथ हैं, अब की बार जो इनको नोट किया गया, 25 लाख औरतें भी हैं इन पांचों स्टेट में। आप देखिए हर चीज को सिस्टमाइज किया गया है, चाहे वो हमारी एजेंसीज हो, उनको एजेंसीज को कहा गया है। और देखिए इलेक्शन से पहले सारी पार्टीज को बुलाया जाता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जिसके लिए बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में जो है तो हम इनको सजा नहीं दी जाती। भाई ये काम तो हमारे पास दांत है ही नहीं इलेक्शन कमीशन के पास, कि वो एक पावर नहीं है जो पार्लियामेंट को कर देनी चाहिए थी। बहुत पहले ही इलेक्शन कमीशन ने कई बार रिकमेंडेशन दी है, उनमें कुछ तो लागू हुई है कुछ नहीं लागू हुई, उसमें इन्हीं लोगों का फायदा है पॉलिटिकल पार्टीज का, इसलिए वो लोग लागू नहीं कर रहे हैं ना बना रहे हैं इस बात को। और इस बात को जो जो करेंगे, इससे पहले भी देखिए हमारे जो वोटर आई कार्ड से, आपको याद होगा कि कोई नोएडा में रह रहा है तो भी उसी जाके वोट दे रहा है, यूपी में भी वोट दे रहा है, डबल डुअल वोटिंग ट्रिपल वोटिंग कुछ भी करते थे, उसको भी इलेक्शन कमीशन ने खत्म कर दिया, यानी आधार कार्ड से जोड़ दिया। जब याद होगा आधार कार्ड से जोड़ने की बात आई थी, इलेक्शन कमीशन ने कहा था, उस वक्त कुछ पार्टियां चली गई सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट में चली गई, वो मामला लटक गया था, लेकिन इस गवर्नमेंट ने उसको लागू किया, अपने कैबिनेट में पास किया, पास करने के बाद वो
कानून बन गया, कानून बनने के बाद उसको जो है लिंक कर दिया गया। तो अब आप देखिए, अगर आप दिल्ली में रहेंगे तो वो एक ही वोट रहेगा, चाहे यहां करिए चाहे वहां करिए, नहीं तो दो जगह होगा, कैंसिल हो जाएगा वोट। तो इस तरह से कहना इलेक्शन कमीशन के लिए बहुत आसानी है। अपोजिशन पार्टीज को जैसे एक एम्पायर होता है, एम्पायर तो अपना डिसीजन देता है सही, लेकिन जो हार रहा होता है वो कहता है बिल्कुल आपके मुताबिक ये है कि पार्टियां जो है अपने अपने अनुकूल जो है वो सवाल अपने बातें बना लेती हैं और सवाल खड़े करने लगती है। जब जीत हो जाती है तो वो निष्पक्ष चुनाव हो गए, हार हो गई अब तो सवाल खड़े हो गए, घरे में खड़ा कर दिया। अब की बार कितना फुल प्रूफ किया गया है कि जो हमारे जो पिछली बार भी बड़ा क्रिटिसाइज किया गया था कि जो एजेड लोग हैं 60-70 से अबव है, उनके घर से वोट करा लेगी, पोलिंग पार्टी जाएगी, पूरा प्रोसीजर वही होता है, उसमें कोई बेमानी नहीं कर सकता। बड़ी तैयारियां की गई हैं और निष्पक्ष, लेकिन इन लोगों को तो हर बात में अपनी कमियां निकालनी है। राजनीतिक पार्टियां राजनीति तो करेंगी, अपने हारने जीतने के बाद परेशान रहते हैं। ठीक है मनीष जी, ये बड़ा सवाल उठ रहा है, भारतीय जनता पार्टी चारों तरफ से पूरी तरीके से आपको घेरने की कोशिश कर रही है, रणनीति बना रही है, सांसदों को मैदान में उतार रही है, केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतारा जा रहा है, कांग्रेस की क्या रणनीति है, क्या काट निकाल रही है? एक ये केंद्रीय मंत्रियों को लाया जा रहा है जो लड़ने को इच्छुक नहीं है, संगठन के बड़े पदाधिकारियों को जो साफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि नहीं मैं बड़ा इंटरेस्टेड नहीं हूं लड़ने के लिए, लोगों को डिमोट करके क्यों लाया जा रहा है? अगर भाजपा डरी हुई नहीं है, भाजपा को खतरा नहीं लग रहा है, तो इस तरीके की रणनीति क्यों अपनाई जा रही है? एमपी में आप देखिए, इनके अपने चीफ मिनिस्टर हैं जो मंच से कह रहे हैं कि मैं लड़ूं कि ना लड़ूं, तुम लोग मुझे याद करोगे, फिर अगले दिन कहते हैं कि मैं शिवराज हूं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब इनके यहाँ सब अच्छा नहीं है, इनके यहाँ कहीं ना कहीं बहुत सारा मतभेद है आपसी लीडरशिप में, यही छत्तीसगढ़ में है, यही राजस्थान में है, और ये डरे हुए हैं, ये परेशान है। हमारे क्या मामला ठीक है, भूपेश बघेल जी हो, और देखिए एमपी में भी सरकार जनता ने वोट देकर हमारी ही बनाई थी, जनता देख रही है कि हमने वोट दिया कांग्रेस को, छल कपट और प्रपंच से आपने सरकार कब्जा कर ली। आपको क्या लगता है कि जनता इस बात को समझती नहीं है? जनता समझती है इस बात को, और आज नहीं तो कल आपको इस बात का जवाब जनता के बीच में जाने देना होगा। जनता जिसके लिए वोट दे रही है उसकी सरकार अगर किसी भी तरीके से गिरा दी जाती है तो जनता के मैंडेट को एक तरीके से दिखा दी। नहीं, आपने कहा आपके यहाँ सब ठीक चल रहा है, अपने छत्तीसगढ़ का उदाहरण दिया, तो टीएस सिंहदेव जी, ताम्रध्वज जी का हम जिक्र करें, तो तमाम तरीके के अंदर खाने तो सब गड़बड़ चल रहा है ना, तो क्या कांग्रेस जो है सब यूनिटी बना पाई है? यूनिट है ये लोग? देखिए आप एक अच्छा चैनल है, बड़ा चैनल है, आपके पत्रकार लगभग सब जगह होंगे। हाँ, आप उनसे कहिए कि वो एमपी जाएं, उनसे कहिए कि वो राजस्थान जाएं, उनसे कहिए छत्तीसगढ़ जाएं। जितनी होर्डिंग्स वहां लगी हैं, आप सिर्फ उन होर्डिंग्स को देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है। अशोक गहलोत से लेके कमलनाथ से लेके और भूपेश बघेल, कोई इज्जत, कोई संचय है ही नहीं है। जननायक राहुल गांधी के नेतृत्व में एकदम स्थितियां साफ हैं, हम एकदम स्पष्ट कर चुके हैं, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी सब पर खुद नजर बनाए हुए हैं, तो हमारे यहाँ कोई इफ्फट है ही नहीं। मैंने कहा नहीं, आप अपने पत्रकारों को भेजकर दिखवा लीजिए कि स्थितियां क्या है, और आप इनके क्या भाजपा में दिखवा लीजिए किस तरीके के पोस्टर और बैनर लगे हैं, उनमें किसकी फोटो इस्तेमाल हो रही है। नहीं, मुकेश त्यागी जी तो कह रहे हैं केवल हमारे यहाँ सीएम फेस जो है वो केवल कमल का फूल है, कमल के फूल पे के नाम पे ही मतदान करेगा वोटर। सुनिए, वो मजबूरी में है। हाँ। पिछली बार चुनाव लड़ा इन्होंने शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर। हाँ। इस बार यहाँ इतनी इनफाइटिंग है, केंद्र और राज्य में ही नहीं बन रही है, तो इस बार उनको ही नीचा दिखाए जाने की कोशिश की जा रही है। देखिए ये झगड़ा है, वो जो राजस्थान की स्थिति है, सतीश पुनिया, पीपी जोशी और वसुंधरा राजे के बीच में किसी ने छुपी है क्या? हर आदमी तो जान रहा है। जो धर्म और रमन की जोड़ी है उसको दिल्ली क्यों बुलाया गया? देखिए स्पष्ट बातें बहुत स्पष्ट है, इनके क्या इसलिए चेहरा नहीं लाया जा रहा है क्योंकि इस बार इनफाइटिंग बहुत ज्यादा है। हमारे क्या स्थितियां सामने का अपना पत्रकार भेज के दिखवा लीजिए, आप राजस्थान भेजिए, जैसलमेर से लेके जयपुर तक कहां किसका किसकी होर्डिंग पे किसका चेहरा है, कहीं कोई संशय है नहीं, हम एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं। आप एमपी में देख लीजिए, दिग्विजय सिंह जी कमलनाथ को चुनाव लड़ा रहे हैं। हमारे क्या स्थितियां बहुत साफ है, और हमारे क्या काम किया गया है, भूपेश बघेल ने जो किसानों के लिए काम किया, जो जनता के लिए काम किया, आप राजस्थान का एग्जाम्पल ले लें, ठीक इकोनॉमी यानी जो ठेके पे लोग काम करते हैं उनके लिए जो अशोक गहलोत जी ने अभी नियम बनाए हैं वो पूरी दुनिया में उसको कॉपी किया जा रहा है, पूरी दुनिया में ठेके प्रथा पर जो जिसको गिग इकोनॉमी कहते हैं उसको पूरी दुनिया में कॉपी किया जा रहा है। वो कह रहे हैं किसानों के लिए 1 साल से हम एक अलग बजट लेकर आएंगे,
काम किया जा रहा है ना, काम अपने काम पर आप चुनाव लड़ेंगे और आप जो इनकंबेंसी को है उसको सिरे से नकार रहे हैं, जो अंदर खाने चल रहा है वो कह रहे हैं सब कुछ ठीक ठाक है और कांग्रेस मैनेज कर ले गई है और आप उन्हीं चेहरों पर चुनाव लड़ेंगे जो वर्तमान में मुख्यमंत्री जी का। मुकेश त्यागी जी, अभी आप सुन रहे थे मनीष जी को ब्रेक पे जाने से पहले। मनीष जी लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि भाई डरे हुए तो हैं, घबराए हुए तो हैं, तभी मंत्रियों को सांसदों को चुनावी जंग में उतारना पड़ रहा है, राज्यों के चुनाव में उतारना पड़ रहा है। काम किया है उन्होंने और उस काम को कैसे आप बीट कर पाएंगे, केंद्र से ला करके उनको उतार रहे हैं मंत्रियों को। तब देखिए ये तर्क बहुत पुराना हो चुका है, इस पर आपने कई बार कर चुके हैं, मैं भी कर चुका हूँ और तमाम प्रवक्ता टिप्पणी कर चुके हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की एक अपनी आइडियोलॉजी है, उसके आधार पर ये सब डिसीजन लिए जाते हैं। तो ये कहना कि साहब हमने पहले बताया कि हम लोगों को केंद्र से भी कार्य करता है, कोई भी व्यक्ति विशेष नहीं है, तो व्यक्ति विशेष न होने के कारण हमको राजनीति देखनी पड़ती है कि वहां पे क्षेत्रीय राजनीति में किसका वर्चस्व ज्यादा है। देखिए विनिंग इज इलेक्शन, अगर आप जीतते नहीं है चुनाव कोई फायदा नहीं पॉलिटिकल पार्टी बनाने का, फिर तो सब ऐसे ही रैंडमली खड़ा कर दिया। तो ये जो तर्क है ये बिल्कुल बहुत बड़ा कुतर्क है कि साहब डिप्टी मिनिस्टर को रखा जा रहा है। अरे इनके यहाँ तो जरा सा किसी को बड़े पद से नीचे गया हो तो यहाँ पर इनके यहाँ तो अराजकता फैल जाती है। अभी तक चुनाव मुख्यमंत्री किसका बनाए, इनके तमाम जो इंडिया घट के जो है इंडिया डॉट के घटक हैं वहां जा जाकर के चुनाव में अपने अपने स्टेट विजिट कर रहे हैं, इनके कहां पर एकता नजर आ रही है मुझे बताइए। इंडिया की केजरीवाल कभी चले जाते हैं कभी राजस्थान चले जाते हैं, तो इनके इनका इनके आपस में कोई एकता ही नहीं। अभी आप देखिएगा किस प्रकार से इनके सीट शेयरिंग होने वाली, इसी वजह से ये सीट अनाउंस नहीं कर पा रहे हैं। हमारे यहाँ इस प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है इनके। आपको पता है कि मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच के अंदर दरार कितनी बड़ी खींची हुई है, भले ही ऊपर से आप दिखाने के लिए ढकोसला कर रहे हो अडम्बर कर रहे हो, परंतु उनके आपस में बहुत ज्यादा गहरे मतभेद है, बहुत दोनों का महत्वाकांक्षी है और दोनों ही चाहते हैं। इसी प्रकार राजस्थान में आप देख लीजिए, राजस्थान के अंदर किस तरह से भ्रष्टाचार फैला है, वहां पर किस प्रकार से एग्जामिनेशन वीक हुए हैं, किस प्रकार से राजनीति से गुडा ने लाल किताब दिखा के इनके काले पन्ने उजागर किए हैं और उसको किस तरह से उन्होंने सदन के पटल पर खींच करके उसको हटा दिया गया है। तो इनके जब भ्रष्टाचारों के मुकाबले आने लगते हैं तो हम समझते हैं कि ये तो अपनी स्थिति इनकी बहुत ही नाजुक है। हमारे इसको इश्यू को लेकर के कि हम भयभीत हैं। अरे भैया कहां से भयभीत है, चुनाव के रिजल्ट बता देंगे। तो आप ये मानते हैं कि लाल डायरी जो है राजस्थान में कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकती है? इनके कई सारे केस है जल जीवन में देख लीजिए, वहां पे वहां पर घोटाला हुआ, एग्जामिनेशन लीक्स देख लीजिए, हर एग्जामिनेशन के अंदर लीक हुए पेपर के, हर एग्जामिनेशन के अंदर मुझे आप बता दिए कौन सा एग्जामिनेशन आप पेपर लीक नहीं हुआ। क्या ये बहुत बड़ा संवैधानिक क्राइसिस नहीं है कि आपके एग्जाम तक जो बेचारे रूस का महिलाओं का बलात्कार नंबर वन पर जा रहा है राजस्थान, महिलाओं के बलात्कार, ये भले ही अपन ढोल पीट लें कि हम बहुत अच्छी मजबूत स्थिति में है। इनके आपस में सचिन पायलट को देखिए देशद्रोह के मुकदमे पर फोन टैप बना रहे हैं, इनके आपस में कितनी गालियां निकालते हैं जो कि उपयोग के बदले पब्लिकली, तो ये तो इनकी स्थिति है। और अब ये आकर के बस नहीं, मनीष जी कह रहे हैं सब कुछ ठीक हो गया है, अंदर खाने सब कुछ ठीक चल रहा है, आप होर्डिंग देख लीजिए कह रहे हैं वहां पर भाई साफ साफ निर्धारित चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। देखिए वॉल्केनो के ऊपर भी जो है ना पता नहीं लगता कब फूटता है वॉल्केनो, बाहर से बड़ा बिनाई वॉल्केनो लगता है लेकिन जब फटता है तो लावा बाहर निकलता है और सब दोस्त बन जाते हैं। तो इनकी भी वही स्थिति है, अभी आप देखिएगा इनका जो वॉल्केनो ऐसा फटेगा सब इसमें दोस्त होने वाले हैं। महत्वाकांक्षी तो सचिन पायलट के इस बार मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, हो गया गहलोत जी अपना उनको बोलिए केंद्रीय राजनीति करें, तो ये तो अभी आप देखते जाइएगा। मनीष जी कुछ ऐसी स्थिति है, देखिए कहा जा रहा है कि भाई स्थिति तो है अंदर खाने चल रही है और अपने अपने समर्थकों को जिताने की भी बड़ी होड़ लगी हुई है राजस्थान में, तो ये भी एक बड़ी चुनौती है। देखिए ऐसा है कि हम अंत में मिलकर कांग्रेस पार्टी को जिता रहे हैं। हाँ ये सियासत में होता है कि मैं अगर कोई नेता हूँ तो मेरे साथ दो लोग जुड़े हुए हैं, हमने दो लोगों के लिए टिकट मांगा, उन्होंने टिकट लेकर चुनाव लड़ा, हम चाहेंगे कि जो लेकिन अंत में जीत कौन रही है, जीत तो कांग्रेस ही रही है। आप ये देखिए कि किस तरीके से हमने, मैं ये बात से इनकार नहीं करता कि कहीं ना कहीं थोड़े मतभेद रहे हो, लेकिन हमने उन मतभेदों पर बात करी है, हमने संवाद किया है, हमने उन मतभेदों को खत्म किया है और इसीलिए मैंने कहा कि अपना पत्रकार भेजिए राजस्थान और देखिए कि किस तरीके से
एक चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है और वो है अशोक गहलोत। किस तरीके से एमपी में एक चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है वो है कमलनाथ, और वह एक चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है भूपेश बघेल। हमारे क्या कोई संशय नहीं है, और जिस पेपर लीक की बात आदरणीय त्यागी जी कह रहे थे इनको व्यापम की याद दिलाइए, जो पूरे हिंदुस्तान का नहीं पूरे विश्व का सबसे डरावना सबसे खतरनाक पेपर लीक थी, जहां पर 42 लोगों की हत्या अब तक हो चुकी है। तो त्यागी जी से कहिए अपना घर ठीक कर, हमारा घर ठीक है, जो भी लीक हुई जो भी कमियां हुई तुरंत पुलिस ने एक्शन लिया, तुरंत पुलिस ने कल्प्रिट को पकड़ा, हम अपनी कोशिश में जनता के सामने हैं, हमने जो किया। चलिए आप लोग अपनी अपनी कोशिश से एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप तो ठीक है लगाएंगे घोटालों के भ्रष्टाचार के, लेकिन एक सवाल यहां पर मनीष जी आपसे ये है कि आम आदमी पार्टी भी ताल ठोंक रही है, क्या आपको ये नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ देखिए, हर आदमी अपना काम लेकर अपनी अपने अपनी जो विचारधारा है अपना मैनिफेस्टो है लेकर जनता के बीच में जाएगा, जनता जिसको बेहतर समझेगी उसको वोट देगी। नहीं, वोट तो कांग्रेस का ही काटती है आम आदमी पार्टी ना, अक्सर पिछले चुनावों का अगर हम उठा लें आंकड़े उठा लें तो देख लें, वोट तो कांग्रेस का ही काटती है। मैं इससे बहुत सहमत नहीं हूँ, मैं इससे बहुत सहमत नहीं हूँ कि वोट किसका कटेगा ये कैसे पता चलेगा, जो आज मुझे वोट दे रहा है कल को हो सकता है भाजपा को वोट दे, परसों वो आम आदमी पार्टी को वोट दे। देखिए कुछ डाई हार्ड जो सपोर्टर्स होते हैं हर पार्टी के, उनको छोड़ दीजिए, चाहे वो भाजपा के हों कांग्रेस के हों चाहे वो किसी अन्य दल के हों, उसको छोड़कर बाकी जो लोग हैं वो वक्त बेवक्त अगर ऐसा ना होता तो भाजपा की सरकार कभी ना बनती। इनको 2009 में कुल 19% वोट मिले थे, इनकी सरकार केंद्र में कभी ना बनती अगर नए लोगों ने इसको वोट ना दिया होता तो। ठीक, तो सवाल इस बात का है कि लोग तय करते हैं कि कौन इस वक्त शासन करने लायक है और उसको वोट देते हैं। ठीक ठीक है, आलोक पांडे जी, शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे सिंधिया की ये आखिरी पारी है या नतीजों के बाद एक नया दौर शुरू होगा, एक नई पारी, क्या लगता है आपको? कि ये आखिरी पारी है। हाँ। मैं मानता हूँ ये आखिरी पारी। हाँ। भारतीय जनता पार्टी एक्चुअली गुजरात मॉडल को मध्य प्रदेश में अपनाना चाहिए, लेकिन शिवराज सिंह चौहान 18 है लगभग, अब मध्य प्रदेश की जनता शायद शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहते, लेकिन अब ये हो सकता है कि मध्य प्रदेश एक प्रयोगशाला भी है भारतीय जनता पार्टी की, मोदी के नाम पर बीजेपी वहां मजबूत स्थिति में आ सकती है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे कर रही है, और नरेंद्र मोदी का जब चेहरा आगे हो जाएगा तो चाहे कमलनाथ हो और चाहे गहलोत जी हो, उससे बड़ा चेहरा तो भारतीय राजनीति में ये लोग नहीं। ठीक बात है, मोहम्मद अमीन जी आपका रुख करेंगे। सबसे बड़ी बात यहां पर आती है, जब चुनाव होते हैं मतदान होते हैं तो उन चुनाव के दरमियान में बड़ी मात्रा में पैसा बरामद किया जाता है, शराब बरामद की जाती है, तमाम चीजें बरामद होती हैं, और अगर हम पिछले चुनाव का 2023 चुनाव का ही जिक्र कर ले तो पिछले चुनाव के दरमियान जो कर्नाटक में चुनाव हुए, जो वहां पर जब्ती की गई इलेक्शन कमीशन की तरफ से, वो लगभग 4.5-5% ज्यादा रही। ऐसे में वो जो बरामदगी की जाती है, जिन लोगों को आरोपी ठहराया जाता है उन पर कार्रवाई क्या होती है, और क्या लगता है कि इस बार भी ये चुनाव जो होने जा रहे हैं पिछले चुनावों की अपेक्षा बड़ी मात्रा में धन का उपयोग किया जाएगा? देखिए, ये तो हमेशा रहा है कि पार्टियां जो हैं अपने ब्लैक मनी को यूज़ करती हैं, इसके लिए बहुत से प्रिकॉशंस लिए जाते हैं, ब्रीफिंग की जाती है सारे ऑब्जर्वर्स को। आप ये समझिए कि एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जो हमारा जनरल ऑब्जर्वर होता है, IAS ऑफिसर होता है, पुलिस को जो लॉ एंड ऑर्डर और ये सब पकड़ने का मामला होता है ये पुलिस के पास होता है, वो उसका ऑब्जर्वर होता है, और रेवेन्यू सर्विस का जो होता है जो उनका आकलन करता है कितना इसमें कहाँ का कितना खर्चा आया है, खर्चा ज़्यादा एक्सीड ना कर जाए। मैं आपको बताऊं कि अगर ये MLA को जो दी गई है लिमिट इलेक्शन कमीशन की तरफ से उन पैसों से ज़्यादा एक्सीड करता है तो जीता हुआ MLA भी हरा दिया जाता है एज पर लॉ। तो ऐसी स्थिति आती कहां है? सुनिए, तो यहां पर ये है ना, सुनिए, तो सवाल इस बात का है कि जो चीज़ें सीजर होती हैं हाँ। इससे पहले भी होती थी, और अब इलेक्शन कमीशन ने आज ही कहा चीफ ने कि जो भी होगा ये डिजिटल फॉर्मेट पर होगा कि इमीडिएटली वो उसको इंडोर्स करेंगे और वो सीधी इन्फॉर्मेशन जाएगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। अगर उसमें डिले होता है तो उन अफसरों के खिलाफ भी, चाहे वो ऑब्जर्वर हो, उनके खिलाफ भी कमीशन एक्शन लेगा। जहां तक सवाल है इस बात का कि ये जो चीजें ली जाती हैं वो सरकार के खजाने में जाती हैं और उनके ऊपर मुकदमे होते हैं, और ये मुकदमे ऐसे नहीं है, इलेक्शन कमीशन के मुकदमे जो है सॉलिड होते हैं, जो चीजें पकड़ी जाती हैं वो क्राइम है,
और उनके अगेंस्ट मुकदमा दर्ज होता है, उनके केसेस चलते हैं और कोर्ट के अंदर जो भी सजा फिर कोर्ट देती है उनको देती है, फाइनल करती है। जी चले ठीक है, लेकिन अब इस बार देखने वाला होगा कि कौन कितना धन का दुरुपयोग करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो रणनीति बनाती नजर आ रही हैं पार्टियां, वो रणनीति पर कौन सी पार्टी कितना कामयाब होगी। फिलहाल समय का अभाव है सर, इसलिए चर्चा को यहीं पर विराम कर देंगे। और आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार जिस तरीके से चुनाव की तारीखों का ऐलान का जो इंतजार था, वो इंतजार अब खत्म हो गया है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और आज तारीखों का ऐलान हो गया है। सभी राजनीतिक दलों की तरफ से पूरी ताकत लगाई जा रही इन 5 राज्यों को फतह करने के लिए। और जैसे ही इलेक्शन कमीशन की ब्रीफिंग हुई, उसके बाद कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया जाता है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के लिए प्रत्याशियों का ऐलान कर देती है। अब ऐसे में सवाल एक बार फिर से यही उठता है कि किसकी रणनीति कितनी भारी और किस दल पर नजर आएगी, ये देखने वाला वक्त बताएगा।